जिस घर में स्त्री का अपमान होता है उस घर का नाश हो जाता है, निश्चित हो जाता है। आप देखिए रावण का सत्यानाश हो गया जगदम्बा सीता के प्रति, दुर्योधन का सत्यानाश हो गया द्रौपदी के प्रति। जहां स्त्री का अपमान हो जाए, अगर कोई ये समझे कि स्त्री केवल मतलब जैसा हम चाहें वैसा व्यवहार करे, तो अगर नाश ना हो जाए तो हमें बता देना, क्योंकि भगवान की वो शक्ति है, अगर उसे तुम सोचो कि हम ताड़न करें जैसे ढोल को ताड़न करें ऐसे ताड़न करें तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। बिल्कुल सच्ची बात समझ लीजिए, पत्नी को प्यार दो क्योंकि उसने तुम्हारा पाणि ग्रहण किया। तुम भगवान को पकड़ो अंदर से और अपना हाथ पकड़ के ले चलो तो तुम्हारा भी कल्याण उसका भी कल्याण। या हमें तुमसे मतलब नहीं है तो पिटोगे कैसे, पिटोगे छोड़ के तुम देख लो, अगर कामना सताए तो बताना, उसका हृदय जलेगा तो तुम्हारी भक्ति चौपट हो जाएगी, करके देख लो तुम, क्योंकि तुमने हाथ मिलाया पाणि ग्रहण किया। ये खिलवाड़ का मार्ग नहीं है। शिष्य बना लेने पर शिष्य के पापाचरण को गुरु को भोगना पड़ता है, ये खिलवाड़ नहीं। तो तुमने तो ऐसे पाणि ग्रहण वेद मंत्रों के द्वारा या ब्राह्मण को अग्नि को साक्षी करके या भगवान को साक्षी, कहीं ना कहीं तो मान लो मंदिर में माला पहना तो भगवान को साक्षी किया, घर में ब्याह किया तो ब्राह्मण और अग्नि को साक्षी किया, अगर अदालत में किया तो जज को वकीलों को साक्षी, कोई ना तो कोई साक्षी होता है। तो फिर भैया एक गलत बात।